ये अभी एकदम नया हॉस्टल है, पिंक कलर का एक फ्लावर भी है जो लाइट पिंक शेड का। यहाँ पर किचन है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली कल नाइट में हम लोग कुछ ज्यादा ही थके थे, जिसकी वजह से बिल्कुल भी आगे का मैं कुछ भी शूट नहीं कर रहा। थकने के बाद हमने सोचा कि अब खाना खा के रेस्ट करना ज्यादा बैठे, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। अभी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज की मॉर्निंग जो है वो थोड़ी सी लेट हुई है, बट फिर भी आज का वेदर बहुत ही प्यारा है बाहर से। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आ चुके हैं और सिलीगुड़ी में हमने हमारे लिए नया हॉस्टल बुक किया है। मैंने आपको दिखाया भी नहीं कि वो हॉस्टल कैसा है, उसके रूम्स कैसे हैं, उसका रूम कैसा है, तो वो भी दिखाएं। हमारे नए हॉस्टल का दरवाज़ा, तो ये बेड्स ऐसे हैं, एक के ऊपर एक हैं, और ये अभी एकदम नया हॉस्टल है, इन लोगों का नया स्टार्टअप है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लासी और अच्छा है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ मैट्रेस लगे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्टे नहीं कर रहा है। और इधर है विंडो जहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है और कर्टन्स लगे हुए हैं। इधर आती हूँ, इधर है मेरा बेड और वो मेरी टी शर्ट है, और नीचे मेरे बैग्स वैग्स रखे हुए हैं पूरे। यहाँ पर है विंडो, थोड़ा बालकनी टाइप का एरिया है जो वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीनरी रहती है और यहाँ से भी बाहर का व्यू दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये है दीदी का बेड रखा हुआ, दीदी का पर्स रखा हुआ, ये ट्रॉली है हमारी और ये थोड़े से टेबल्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैसी है, तो बाहर का व्यू जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइप का है। तो बारिश शुरू हो गई, हम काफ़ी लेट हो गए। काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं, पे पिंक कलर का एक फ्लावर भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो या दिस इज़ सो नाइस और अच्छी वाइब्स देता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हो। लाइट पिंक शेड कलर पे वॉशरूम है, यहाँ डस्टबिन है, ओवरऑल हमारा रूम है। सो यहाँ पे मैट भी लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है ठंड के टाइम पे। का एंट्रेंस डोर, और इसको अभी ओपन करते हैं और शूज़ आप यहाँ पे उतार सकते हैं एंट्री करके। ये बहुत ही बड़ा सा हॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस में है, और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ये है जो बना हुआ है यहाँ पर वॉल पे, काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी की गई है, ये सबसे अमेजिंग लगता है। और यहाँ पे सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जो भी फेमस चीज़ें हैं या सिलीगुड़ी की जो भी फेमस चीज़ें हैं वो उस पर मैंशनेट है। और फिर इधर है एक डॉम, ये मेल एंड फीमेल दोनों हैं बोल सकते हैं। और तो बेड्स लगे हुए हैं, तीन बेड्स लगे हुए हैं, ये इधर एक और उधर दो बेड्स लगे हुए हैं, और उधर उधर साइड में वॉशरूम भी है। और यहाँ पे एक दो रूम्स जो अभी खाली हैं वो प्राइवेट रूम के लिए अभी सेव किया गया है, उसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शंस का वर्क बचा हुआ है वो डन होते हैं। बेसिन, तो दो यहाँ पे बेसिन है। इधर आते हैं हम, तो यहाँ पे हैं हमारे सर सुशांत सर, जिनका ये स्पेशली है, जिसके ये ओनर हैं, और ये जो पूरा हॉस्टल है ये इनका ही है, और इनके तीन फ्रेंड्स लाइक पार्टनरशिप में वर्क करते हैं। सो कभी भी आप सिलीगुड़ी आओ या फिर कभी भी आपको यहाँ स्टे करने का है तो मैं कॉन्टैक्ट एंड डिटेल्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी रखी गई है, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी आराम से बैठ के बहुत चिल किया है, लाइक बहुत सारी बातें की हैं। और यहाँ पे है विंडो, से बाहर का नज़ारा आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। अभी इस पर नेट जाली लगा दी है क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटो का कुछ प्रॉब्लम था, दैट्स वाई इसको कवर कर दिया गया है ताकि मॉस्किटो का बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत हो। कुछ बोर्ड्स हैं जिसपे अभी कोड्स और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें सर इसमें अप्लाई करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप सिलीगुड़ी आओगे तो आपके लिए, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो इसमें लगेंगी। है किचन, तो यहाँ पर किचन है, ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है, इट्स अ स्मॉल। यहाँ पर चाय वाय बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं, पानी के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, आपको पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्लेट्स हैं अगर खाना वाना आ रहा है तो आप यहाँ पे। तो ये इस तरफ है हमारा रूम जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। अभी थोड़ा सा ये मैसी है और दी यहाँ पे बैठी हुई है आराम से पैकिंग वैकिंग करके, क्योंकि हमारी कैब जो है वो आ रही है, तो वेटिंग पे मेरा बेड है जो थोड़ा सा मैसी है। अभी से व्यू तो बहुत ही प्यारा है। तो ओवरऑल जो हमारा रूम है, हमारे हॉस्टल्स के जो रूम है या स्पेशली जो हमारा रूम है, वो उसका पूरा टूर मैंने आपको दे दिया, और ये काफ़ी रीजनल प्राइस में आपको बिल्कुल ईजी वे में मिल जाएगा। तो ये हॉस्टल बहुत ही अच्छा है, मुझे यहाँ की वाइब्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। साथ ही साथ इस हॉस्टल में सबसे खास बात ये है कि यहाँ के हॉस्टल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, जो कि काफ़ी बेस्ट पार्ट है।